शूट करना अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और सेम वेवलेंथ के लोग होते हैं, हंसी मजाक होता है, तो थोड़ा सा वो सिचुएशन अच्छी हो जाती है। मुझे मज़ा आता है जब मेरे साथ मेरे सेम वेवलेंथ के लोग हों। अक्सर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे सारे शोज़ में जनरली हमेशा ऐसे लोग मिले हैं जहाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज टेलीविजन शूट करना अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और 13-14 घंटे आप काम करते हैं, 2 घंटे आप गाड़ी चला के वापस आते हैं, तो आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं 90% ऑफ द टाइम ऑफ द डे अगर मैं बोलूँ। तो अगर आपके सेम वेवलेंथ के लोग होते हैं, हंसी मजाक होता है, तो थोड़ा सा वो सिचुएशन अच्छी हो जाती है, काम करने का माहौल अच्छा हो जाता है, और जो सीन्स जैसे निकल के आते हैं आप लोग पसंद करते हैं, तो आई थिंक वर्थ द एफर्ट। रूपाली जी के साथ में मेरा पहला शो है ये, और मैंने जब पहली बार उनके साथ लुक टेस्ट में मैंने आया था जब अनुज कपाड़िया की एंट्री नहीं हुई थी, और मैं सेट पे गया था, तो मैं 2-3 घंटे बैठा था वहाँ क्योंकि रूपाली जी का सीन चल रहा था, एंड मैं किसी को जानता नहीं था सेट पे, तो ऑफकोर्स बिकॉज 1 शो था एंड शी बींग वेयर शी इज़, मुझे लगा कि अक्सर होता ही है कि वो यू नो, तो लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो शी वॉज वेरी वॉर्म एंड वेरी वेलकमिंग, एंड मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनका पहले अल्फाज है, ये तो मेरा बेटा लग रहा है। तो मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा रूपाली जी थैंक्स, मैं यहाँ पे अनुज कपाड़िया के किरदार में आया हूँ, जो एक्चुअली अनुपमा का बेटा नहीं है, तो वो हम लोग अभी भी हंसते हैं, एंड रूपाली जी सेड कि नहीं 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 यार ये वो, फिर एनीवे देन वो एक बात से दूसरी बात, एंड देन वी हैड लोड्स ऑफ फन, एंड देन अनुज आप लोगों के दिल तक पहुंचा, आई एम वेरी हैप्पी।